अस्सलाम वालेकुम। एक अच्छी न्यूज के साथ आज आपके मैं साथ हूँ। अल शरीफ फाउंडेशन 11 मार्च 2016 को पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक रात के 10 बजे वॉइस ऑफ अमेरिका पे फीचर हो रही है। इसमें आगे मैं आपको बताता हूँ, जो पाकिस्तानी सोशल एंटरप्रेन्योरशिप एकेडमी के जो जिनको स्कॉलरशिप विन किया हुआ है ऑलरेडी, वो इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये है कि आपने ऑलरेडी पाकिस्तानी सोशल एंटरप्रेन्योरशिप एकेडमी का स्कॉलरशिप विन किया हुआ है और आपने पीसी का जो 5 ईयर सक्सेस कोर्स है वो कम्प्लीट किया हुआ है इसमें, और इसके बाद आपने कम्प्लीट करके अपनी जो 5 ईयर की जो प्रोफाइल है वो सक्सेसफुली आपने क्रिएट की हुई है, और इसके साथ आपने एक गिग, कम अज कम एटलीस्ट 1 गिग आपके 5 ईयर पे ऑलरेडी लिस्टेड है, और उस एक गिग से या 2 से या 3 से कम अज कम आपकी एक सेल जो है क्लाइंट से आपको मिल चुकी है, और इसके साथ साथ एक क्लाइंट के जब आपने काम किया है तो उससे आपको एटलीस्ट 4.5 स्टार रिव्यू मिला है। तो ये दैट्स लीस्ट वी आर एक्सपेक्टिंग फ्रॉम यू। अगर आपकी ये सारी चीजें हैं और आप ग्रुप में हमेशा दूसरों की हेल्प करने के लिए तैयार होते हैं, ये पीसी स्कॉलरशिप विनर जो ग्रुप है उसमें आप जब भी कोई आपको हेल्प मांगता है तो आप उसकी हेल्प करते हो, ये बहुत जरूरी चीज है, क्योंकि हम सारे एक दूसरे की हेल्प करने, अगर वो हेल्प करने वाला आपका एटीट्यूड नहीं है तो आप नहीं अप्लाई करें इसमें। और इसके साथ साथ फाइवर प्रोफाइल जो है वो आपकी ईमेल, फेसबुक एंड गूगल वेरीफाइड हो। अभी मैं आपको एक एग्जाम्पल शो करता हूँ फाइवर से, सो यू अंडरस्टैंड ऑल दिस। आप ये स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये डिजाइन 360 प्रो, ये हसन नसीर की ये प्रोफाइल है। इसमें ये देखें, ये इसमें इसके 2 रिव्यूज हैं, 5 स्टार हैं, सो ही इज क्वालिफाइड इन दिस। और इसकी ईमेल प्रोफाइल जो है वो ईमेल वेरीफाइड है, फेसबुक वेरीफाइड है और गूगल वेरीफाइड है। ये 3 आप जो मैं बता रहा था अभी आपको, ये वेरीफाइड हैं, और इसकी देखते हैं गिग कितनी है, इनकी 2 गिग्स हैं, तो एटलीस्ट कम से कम आपकी 1 गिग होनी चाहिए। सो दैट्स एग्जाम्पल, लेट मी शो यू वन मोर। अब ये देखें, ये एक रिजवान अली की प्रोफाइल है, इसके ये 18 रिव्यूज हैं, 5 स्टार, दैट्स गुड, लेकिन ये सिर्फ ईमेल वेरीफाइड है, ये फेसबुक और गूगल वेरीफाइड नहीं है, तो ये इसमें एलिजिबल नहीं होंगे। अगर आप रिजवान आप ये वॉच कर रहे हैं तो आप अपनी प्रोफाइल को फॉरन वेरीफाई कर लें इससे पहले। यू हैव टू बी 3 ईमेल, फेसबुक एंड गूगल प्लस वेरीफाइड। व्हाई यू वांट टू पार्टिसिपेट, इससे आपको चांस मिलेगा कि आप वॉइस ऑफ अमेरिका पे फीचर हो गए, और आपको इंटरनेशनल रिकग्निशन मिलेगी कि आपकी अचीवमेंट है, आपको उसमें फीचर होने के बाद आपकी जो ब्रांडिंग है वो हायर हो जाती है, और आपको मैसिव एक्सपोजर आपकी प्रोफाइल को मिल सकता है कि आप वॉइस ऑफ अमेरिका से लिसनिंग अराउंड द वर्ल्ड जो लोग हैं वो आपको, आपको अनफेयर कंपेटिटिव एडवांटेज मिल सकता है अगेंस्ट योर कंपटीशन ऑन फाइवर एंड इन एनी अदर फ्यूचर फ्रीलांसिंग साइट्स यू विल बी वर्किंग ऑन। इससे आपका ब्रांड बड़ा हो सकता है, और आप उसको ये आप कह सकते हो कि मैं वॉइस ऑफ अमेरिका में फीचर्ड सेलर हूँ। ये मीडिया की जो रिकग्निशन है से आपकी ब्रांडिंग बढ़ती है, देन यू कैन कमांड हायर प्राइसेस फ्रॉम योर क्लाइंट्स लेटर। एंड दैट्स नॉट ऑल, आप अपने आप को डिफरेंशिएट कर सकते हो, जाओ किसी जॉब इंटरव्यू के लिए जाओगे या क्लाइंट के लिए प्रोजेक्ट विन कर रहे होगे तो आप कहोगे कि मैं सिर्फ एक अदर एक आई एम नॉट अनदर सेलर अलोन, आई एम अ फीचर्ड ऑन वॉइस ऑफ अमेरिका। तो मीडिया की जो रिकग्निशन है दैट गिव यू अनफेयर एडवांटेज ऑलमोस्ट एवरीवेयर। अब आपने अप्लाई कैसे करना है, आप meetsiddique.com/apply पे जाएं, इस लिंक पे, वहां पे नीचे जो कमेंट का एरिया है वहां पे कमेंट लिखें, 3 लाइन्स का कमेंट लिखें, एक्सप्लेनिंग व्हाई वी शुड चूज यू। ये आपने 3 लाइनों में एक्सप्लेन करना है, अभी तक आपको समझ आ जाएगी कि एवरीथिंग इज 3। यू मेक श्योर यू राइट नो लेस देन 3 लाइन्स, आप वहां पे पूरा ऐसे ना लिख देना, 3 लाइन से 5 लाइन तक आप लिखें कि वाई वी शुड चूज यू, और उसके बाद आपको हम आपको लिंक दिया होगा वहां पे, वहां पे आपने 3 फ्रेंड से जो अभी तक पीसी स्कॉलरशिप विनर स्टूडेंट नहीं है उनसे आपने अपने अपने वोट लेना है आपके एप्लीकेशन के कि मैंने इधर अप्लाई किया है, वोट करें आप। उसके बाद जो 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 3 वोट्स ले लेंगे और 3 लाइन का कमेंट्स कर लेंगे उनको हम लिंक उनको देंगे कि वो आप एक लिंक, जैसे आप एप्लीकेशन एक पेज की छोटी सी एप्लीकेशन है जिसमें हम आपको ईमेल के थ्रू या आपके स्क्रीन पे आपको नजर आ जाएगी जब आपको 3 वोट्स मिल जाएंगे और जब ऊपर वाला सारा प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। तो इसमें मेक श्योर करें कि आप उस पेज पे जाए meetsiddique.com/forward/apply, 3 लाइन का कमेंट लिखें, उसके बाद आपने 3 वोट लेने का भी लिंक दिया होगा वहां पे, वो करके उसके बाद आपको जब यू ही वोट आपके 3 लोग आपके फ्रेंड्स आपके एप्लीकेशन पे वोट कर चुके होंगे आपको सक्सेसफुली, आपको लिंक आपकी ईमेल में भी आ सकता है और स्क्रीन पे भी नजर आ जाएगा कि इस लिंक पे जाके आप अपनी एप्लीकेशन को कम्प्लीट कर लें। इसकी जो डेडलाइन है वो February 25th, 2016 है, midnight पाकिस्तानी टाइम, पाकिस्तान टाइम के मुताबिक रात के 12 बजे तक जनवरी। और जो विनर्स हैं 10 लोग हम सिर्फ सेलेक्ट करेंगे, क्योंकि आपको पता है हंड्रेड ऑफ लोगों को स्कॉलरशिप मिल चुके हैं,
उसमें से सिर्फ 10 लोग इसमें हम सिलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि वो एक घंटे का प्रोग्राम है वॉइस ऑफ अमेरिका का, और उसमें से वो सिर्फ 10 स्टूडेंट्स को लेना चाहते हैं, जिसके जो हम रिजल्ट है विनर्स वो अनाउंस करेंगे 28 फरवरी 2016 मिडनाइट पाकिस्तानी टाइम। हमारा जो डिसीजन होगा वो फाइनल होगा सिलेक्शन में, कोई फेवरेटिज्म किसी को भी नहीं होगी, आपने सबको जो इस क्राइटेरिया को मैच करता है उसके बाद जैसे आप रैंडमली हम लोगों को सिलेक्ट करेंगे, ऑफकोर्स बेस्ड ऑन नंबर ऑफ देयर सेल्स जितनी हुई हुई हैं और उनके जो वोट्स हैं उसकी एप्लीकेशन पे, प्लस जो वो उनकी विलिंगनेस है लोगों को हेल्प करने की ग्रुप में, ये सारी चीजें यहाँ पे आप काम आएंगी आपके। जो जो लोग हेल्प करते रहे हैं वो हमें पता है वो कौन है, और अगर आप नहीं भी करते रहे तो अभी आप इसमें, आपके पास टाइम है, आप इसमें एंगेज हो सकते हैं, एक दूसरे की हेल्प करने से ही सारी बात होती है, तो इसलिए हम उसको रिवॉर्ड करने का टाइम है कि आप, क्योंकि हमें सिर्फ 10 लोग करने हैं तो हम 10 लोग अपनी मर्जी से नहीं करना चाहते, हम चाहते हैं जो इस प्रोसेस से गुजर के आए। तो आप, अब आपको पता है कि हर चीज आपने अर्न करनी होती है, खुद ब खुद आपको ग्रांट नहीं कर सकते। जो 10 लोग यहाँ से सिलेक्ट होंगे उनको 30 मिनट्स की डेली ऑनलाइन ट्रेनिंग अटेंड करनी होगी फ्रॉम एट 9:30 PM पाकिस्तानी टाइम वीआ जूम फ्रॉम March 1st to March 10th। सो गेम इज ऑन, गो हेड एंड अप्लाई। उस इन 10 दिनों की ट्रेनिंग में हम आपको ये बताएंगे कि आपको एक मिनट मिलेगा वॉइस ऑफ अमेरिका में अपनी सारी बात बताने का, तो आप एक मिनट में अपने आप को एक्सप्लेन कैसे करते हैं, आप बात क्या कहेंगे, अपने अपने बारे में जो आपकी स्टोरी है वो आपको, आप लर्न करेंगे हाउ टू प्रेजेंट योर सेल्फ इन 60 सेकेंड, क्योंकि मीडिया में आपको साउंड बाइट मिलती का छोटी सी टाइम होता है, तो आपने इफेक्टिवली अपने आप को कम्युनिकेट कैसे करना है, ये जो स्किल है ये प्राइसलेस है। आप जब इसके बाद आप किसी इंटरव्यू में जाएंगे कोई आपसे पूछेगा आप क्या करते हैं और आप क्या करते हैं, आप सेकंड में उसको, आप मिनट में, अंडर अ मिनट आप उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। इसको इंग्लिश में एलिवेटर पिच कहते हैं, ये एलिवेटर पिच आप इसमें लर्न करेंगे इन 10 दिनों में हम आपको बताएंगे, ताकि आपको इंटरव्यू जो है वॉइस ऑफ अमेरिका में वो साबित हो। सो गेम इज ऑन, गो हेड, आप अप्लाई करें और अपने 3 लाइन का कमेंट लिखें और अपने फ्रेंड से वोट लें अपनी एप्लीकेशन पे, उसके बाद एप्लीकेशन को प्रोसेस को कंप्लीट करें। विशिंग ईच वन ऑफ यू द वेरी बेस्ट एंड गो हेड एंड अप्लाई इट नाउ एंड टेल योर फ्रेंड दिस इज time to celebrate what your success. Now this is your chance to actually tell to the world on through Voice of America that yes, we are Pakistani and we are a productive part of the society and we are connected with the whole world and we are trying to create an impact for ourselves and for the rest of the country. You will learn a lot in this whole process. Even though you are applying and you may not be selected, but that's okay. You have to try everything. Do your best when you are applying and follow the instructions step by step. You already know how to do that one now. Thank you and wish you all the best.